नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करके 3 मार्च को इसकी परीक्षा देनी है। सब्जेक्ट कोड 1001 मैथमेटिक्स फर्स्ट। अपने वादे के मुताबिक मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए जो यूनिट 1 है जो ट्रिग्नोमेट्री उस पर 1 नंबर के प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर चर्चा की थी, और आज मैं यूनिट 2 चैप्टर 2 उसके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चंस फॉर यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस इसकी चर्चा आज करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक मेरे वीडियोस बराबर पहुंचते रहें, ना केवल इस सेमेस्टर में बल्कि अगले सेमेस्टर के अंदर मैकेनिक्स और मैथ्स के अंदर भी तैयारी करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न मैंने लिया है इस 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर वो है कि सम फलन और विषम फलन की पहचान कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। देखिएगा, इवन ऑड के लिए बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन है fx और हम x की जगह लिख दें -x और ऐसा करने से वापस वो फंक्शन आ जाए जो था, तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर हम x की जगह लिखें -x और उस फंक्शन का नेगेटिव आ जाए यानी कि -fx हो जाए तो फंक्शन कहते हैं ऑड है, यानी ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में ऐसा होता है कि f-x बराबर fx होता है और ऑड फंक्शन में f-x बराबर -fx होता है, ये ऑड फंक्शन हो गया। इसको कहते हैं सम फलन, इसे कहते हैं विषम फलन। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कोई fx है और cos x है। अगर मैं x को लिखूँ -x तो यहाँ क्या हो जाएगा cos-x, और आप जानते हैं कि cos-x cos x ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, cos पॉजिटिव होता है, और cos x आपने fx को माना था यानी कि f-x fx के बराबर हो गया। यानी ये फंक्शन कैसा, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको fx बराबर cos x, ये हो गया इवन फंक्शन। ऐसे अगर मान लीजिए मैं fx x³ लूँ, मान लीजिए अब f-x क्या होगा, -x का क्यूब होगा, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और x³ होता है, और x³ को मैंने fx कहा था तो f-x जो है वो -fx हो गया, f-x बराबर -fx, ये फंक्शन कैसा हो गया ऑड फंक्शन हो गया। तो ऐसे कई फंक्शन आप देख सकते हैं कि इवन और ऑड के बारे में। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि fx बराबर x⁴ है, ये इवन फंक्शन है। अगर मैं x को रखूँ -x तो -x⁴ भी x⁴ ही होगी। अगर मैं fx लूँ मान लीजिए sin²x, ये भी इवन फंक्शन है। अगर x को रखूँ -x तो sin-x तो डेफिनेटली -sin x होगा, लेकिन चूँकि स्क्वायर हो गया तो वापस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इवन ऑड की पहचान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न कि अगर f-x बराबर fx हो तो इवन फंक्शन, और f-x बराबर -fx हो तो ऑड फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन, fx बराबर x² -1/x². देखिएगा, fx बराबर आपको दे रखा है x² -1/x², x² -1/x², हमको क्या प्रूव करना है कि fx प्लस f1/x बराबर 0। देखिए fx प्लस f1/x की वैल्यू निकालनी है। अब fx तो आप देख रहे हैं कि x² -1/x² है, अब निकालना हमको f1/x। तो जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 1/x, तो ये x² को लिख देंगे 1/x का होल स्क्वायर, -1/x² लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर, तो x² -1/x². अभी देखिए +1/x² हो जाएगा, माइनस ये x² ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 तो 1 ही होता है तो 1 कर देंगे इसको, तो क्या हो गया x² -1/x² +1/x² और -x² / 1 x² ही होता है, कट जाएंगे और बराबर 0 आ जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ और बहुत ही तेज़ी से कर रहा हूँ और रफली काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि कैसे किया मैंने। आंसर मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे। क्या करना था, fx बराबर x² -1/x², तो सिद्ध करना था कि fx प्लस f1/x = 0, तो मैंने यहाँ पे सिद्ध किया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया,
वैल्यू निकाली और जीरो आ गया, विच इज राइट एंड राइट हैंड स्लोप। अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा, कि फलन वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स के किन मानों के लिए अपरिभाषित है। इसका उत्तर यह है कि एक्स बराबर जीरो, माइनस एक और प्लस एक के लिए ये फलन अपरिभाषित है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिएगा, हमको एफ एक्स दे रखा है वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्चुअली एफ एक्स नहीं कह रखा है, वो तो मैंने एफ एक्स लिखा है, इसको वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसको मैंने फलन मान लिया एफ एक्स। अगर हम एक्स कॉमन ले लें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब इसको करें फैक्टर्स तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब क्या होता है कि किसी भिन्न के हर के अंदर जीरो आ जाए तो वो भिन्न होता है, यानी वो फ्रैक्शन होता है अपरिभाषित। तो एक तो इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, एक इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, एक इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x माइनस वन को मैं जीरो करूं तो x का मान एक होता है, अगर मैं x प्लस वन को जीरो करूं तो x का मान माइनस एक होता है। तो x का मान एक भी नहीं होना चाहिए, x का मान माइनस एक भी नहीं होना चाहिए और x का मान जीरो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो माइनस एक और प्लस एक, ये मान x के नहीं होने चाहिए। ये मान अगर हो गए तो ये नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये जीरो हो जाएगा। जैसे एक्स को जीरो करेंगे तो जीरो इंटू कुछ भी करो जीरो हो जाएगा, अगर माइनस वन करता हूँ तो ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो इंटू कुछ भी करो जीरो हो जाएगा, प्लस वन करता हूँ तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो ये तीन मान नहीं होने चाहिए। तो हमने देखिए आंसर दे दिया, एक्स बराबर जीरो, माइनस एक और प्लस एक के लिए ये फलन अपरिभाषित है। इसको कई बार हमें देना पड़ता आंसर को सेट फॉर्म में, समुच्चय रूप में। उस केस में आपको जीरो माइनस एक प्लस एक लिखिए ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट, मंझला, ध्यान दीजिएगा मंझला ब्रैकेट होगा, ये कर्ली ब्रैकेट होगा। अगर आपने माइनस एक जीरो और एक को ऐसे लिख दिया ये गलत हो जाएगा, या माइनस एक जीरो एक को ऐसे लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखना है, माइनस एक जीरो और प्लस एक मंझले को, ये सेट का फॉर्म होता है। तो ये जो मान है एक्स के, ये जो एक सेट है, ये सेट के जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग एलिमेंट्स जीरो माइनस वन वन, इनके लिए ये फंक्शन अपरिभाषित है, यानी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब चौथा, फंक्शन एक्स अपॉन तीन एक्स माइनस चार, फंक्शन एक्स अपॉन तीन एक्स माइनस चार। देखिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन तीन एक्स माइनस चार, ये कहा गया है कि इस फंक्शन का प्रांत क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका प्रांत क्या है। अब प्रांत से क्या मतलब, इसको समझे आप, क्या मतलब होता है प्रांत का, ध्यान से देखिएगा। देखिए, किसी भी फंक्शन के प्रांत से मतलब है, यानी कि उसके डोमेन से मतलब है कि x के उन मानों का समुच्चय है, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी x के जिन मानों के लिए फंक्शन हो जाए परिभाषित, वो x के मानों का अगर हम सेट बनाए उसको हम कहते हैं प्रांत। अब ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसका जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर वो तीन एक्स माइनस चार, हम जानते हैं ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं कि तीन एक्स माइनस चार को जीरो करके देखते हैं क्या होता है, जीरो करते हैं इसको, तो इससे तीन एक्स की वैल्यू चार आएगी, इसका मतलब चार की एक्स की वैल्यू चार बटा तीन आएगी, यानी अगर आपने एक्स का मान चार बटा तीन ले लिया तो तीन एक्स माइनस चार जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो चार बटा तीन के अलावा कुछ भी मान आप एक्स का ले लो तो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि ये अपन डोमेन की बात कर रहे हैं। अब आपने पढ़ा होगा कक्षा सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में, एक संख्या रेखा नाम की चीज़ होती है, संख्या रेखा नंबर लाइन, इसे वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी, उधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में जीरो, ये माइनस वन माइनस टू वगैरह चलते रहते हैं, इधर प्लस वन प्लस टू वगैरह चलते रहते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें डेसिमल आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, रेशनल इरेशनल सब आते हैं, तो इसको कहते हैं संख्या रेखा। और इस पे जो संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का एक सेट बना है उसको कहते हैं कैपिटल आर, इट इज़ कॉल्ड एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस आर में कितने नंबर्स आते हैं, इन्फाइनाइट। अब उस इन्फाइनाइट नंबर में से अगर एक कम कर दूँ, कौन सा, चार बटा तीन, यानी माइनस करके और चार बटा तीन लिखूंगा मैं सेट फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो
बना एक सेट जिसमें से सभी संख्याएं वास्तविक शामिल है बस x को छोड़ के, तो ये कहलाएगा इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखेगा r माइनस एक सेट है जिसे बोलते हैं सिंगलटन सेट जिसमें एक ही अवयव है 4/3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा, फंक्शन x प्लस 2/(x+2) के मॉडुलस का परिसर क्या होगा। यहाँ मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ कि ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसमें मैंने क्वेश्चन जो आपके लिए सोच रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में ये समय करीबन 1 घंटा चला जाएगा। मैं इसको वीडियो के 2 पार्ट कर देता हूँ, इसको मैं स्पेशल 2A कर देता हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो के मैं 2 भाग बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी पहला भाग चल रहा है तो ये करीबन 25 मिनट का, तो ये भी हो जाएगा। तो इस 25 मिनट के अंदर ये 11 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो चलते सर आगे, हम देखते हैं अब क्या करना है। अगला जो क्वेश्चन है, फंक्शन है x+2/(x+2) का मॉडुलस। तो देखिएगा इसका परिसर क्या है। अच्छा, परिसर का मतलब इंग्लिश में कहते हैं रेंज, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए क्या मतलब। आप एक बात समझें कि x के उन मानों का समुच्चय जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है वो तो डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और वो सारे मान x के अगर हम फंक्शन में रखें तो जो फंक्शन की वैल्यू आती है अलग अलग x के अलग अलग मानों के लिए, उन मानों का समुच्चय लें, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आती है उनका समुच्चय बनाएं, उसको हम कहते हैं परिसर। तो ये जो फंक्शन है इसको अपन करें, उसके पहले कुछ बात समझानी पड़ेगी मुझे आपको। एक मॉडुलस x फंक्शन होता है, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, प्लस x भी होती है और इस फंक्शन की वैल्यू माइनस x भी होती है। ये कब होती है, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। ये कब होती है, जब x का मान 0 से छोटा हो। मॉडुलस x बराबर x अगर x 0 या 0 से बड़ा हो, और मॉडुलस x बराबर माइनस x अगर x 0 से छोटा हो। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि x 0 या 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, इन तीन के अलावा कोई संभावना है नहीं। और उन तीनों के लिए ये वैल्यू होती है, 2 के लिए तो इन्हें 0 या 0 से बड़े के लिए तो x की मॉडुलस x होता है, और 0 से कम के लिए माइनस x होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है कौन सा, x+2/(x+2) का मॉडुलस, इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो x+2 जैसे x का मॉडुलस x था वैसे ही x+2 का मॉडुलस x+2 हो जाएगा, या जैसे x का मॉडुलस माइनस x था वैसे इसका मॉडुलस x+2 का -x+2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ तो x+2 से x+2 कट गया, यहाँ ये कट गया, तो ये क्या आ गया 1, और ये इसकी वैल्यू आ गई 1/(-1, -1)। यानी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी ये जो फंक्शन है x+2/(x+2) का मॉडुलस, इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 या -1। ये 2 वैल्यू जो है, इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो इसको कहेंगे इस फंक्शन का रेंज, यानी इसका परिसर। इसका आंसर आगे देखिए, -1, 1 मंझले कोष्ठक में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला है लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो sin 5 थीटा अपॉन थीटा। देखिए अगर ये 5 थीटा होता तो 1 हो जाता, क्योंकि अपने एक फॉर्मूला पता होगा आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x/x जो होता है 1 होता है। अगर यहाँ sin 5x होता या भी 5x होता तो 1 हो जाता, अगर यहाँ x³ होता या भी x³ होता तो 1 हो जाता। यानी कि यहाँ हम आपको एक बात बता दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin f(x)/f(x) ये 1 होता है, लेकिन कब, यानी x को 0 करने से ये f(x) भी 0 होना चाहिए। यहाँ अगर आप कहेंगे कि sin x+2/(x+2) हो जाए और लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाए, इसको आप एक कह देंगे ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्यों, कि अगर मैं x को 0 करता हूँ तो x+2 0 नहीं होगा, ये 0+2 2 होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो जो भी साइन यहाँ आ रहा है f(x)/f(x) आना चाहिए। अगर 5x है तो 5x, 3x है तो 3x, x² है तो x², बस शर्त यही है कि उस फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए x को 0 लेने से। तो यहाँ 5 थीटा है तो यहाँ 5 थीटा होना ही चाहिए,
लेकिन वे अपना ननियाल थोड़ी है जो मर्जियाँ कर लेंगे। आपने अगर पाँच का भाग लगाया है तो पाँच का गुणा भी करना पड़ेगा। अब ये पाँच जो गुणा किया इसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो बचा उसका वैल्यू वन होती है, आप जानते हैं। तो पाँच इंटू एक पाँच हो गया, इसका आंसर आ गया पाँच। ये इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आप। लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई, लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई, साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस पाई, साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस पाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे करें? देखिएगा, जब थीटा टेंडिंग टू जीरो होता है तो आसान जो फॉर्मूले हमारे पास में होते हैं, यहाँ थीटा टेंडिंग टू पाई है, तो क्या करना चाहिए कि जो थीटा है ना इसको मान लेना चाहिए पाई प्लस एच। एच एक बहुत छोटी संख्या है, थीटा को मान लेते हैं पाई प्लस एच। अब थीटा किधर को जा रहा है? पाई की तरफ जा रहा है। थीटा टेंडिंग टू पाई, तो पाई लिख दिया हमने इसको, तो पाई प्लस एच, पाई से पाई कट गया, तो जीरो बराबर एच। यानी जब थीटा की वैल्यू पाई की तरफ जाएगी तो एच की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर लेंगे। जब थीटा पाई की तरफ जाता है तो एच शून्य की ओर जाता है। अब यहाँ रखेंगे साइन, थीटा को आपने क्या माना था, पाई प्लस एच, पाई प्लस एच, थीटा पाई प्लस एच, माइनस पाई, पाई से पाई कट गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब साइन पाई प्लस एच, पाई का मतलब होता है 180, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एच हो जाएगा अपॉन एच है, माइनस बार आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये साइन एच अपॉन एच जो कि वन होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस वन। तो ये लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस पाई इक्वल टू माइनस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिग्री बटा एक्स। देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिग्री बटा एक्स, इसकी वैल्यू निकालिए हमको। कैसे निकालें, ध्यान दीजिएगा, हम जब कहते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, तो इसमें एक्स डिग्री में नहीं होता है, एक्स रेडियन में होता है, यह एक्स डिग्री में दे रखा आपको। पहला काम क्या करेंगे, इस डिग्री को बदलेंगे रेडियन में। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन, आपको पता है कि जब डिग्री को हम चेंज करते हैं रेडियन में तो इंटू करते हैं पाई बटा 180 से, तो इसको जैसे गुणा करेंगे पाई बटा 180 से, तो ये पाई एक्स बटा 180 हो जाएगा, नाउ इट इज़ रेडियन अपॉन एक्स। अब देखिए, जो यहाँ आता है ना वही नीचे आना चाहिए, यहाँ पाई बटा 180 आ रहा जो है नहीं है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ पाई बटा 180 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पाई बटा 180 से गुणा किया हर को, तो अंश को भी करना पड़ेगा पाई बटा 180 गुणा। अब ये पाई बटा 180 आगे आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा पाई बटा 180, और बच गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन पाई एक्स बटा 180 बटा पाई एक्स बटा 180। अब देखिए, जो यहाँ है वही तो यहाँ है, और एक्स को जीरो करने से ये चीज़ जीरो हो रही है। अब हम कह सकते हैं कि पाई बटा 180 और इसकी वैल्यू वन, इसका आंसर क्या आ गया, पाई बटा 180, सो इट्स आंसर इज पाई बाई 180। ठीक है, अब देखिएगा अगला, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि भाई ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ छोटे छोटे, ये केवल क्वेश्चंस नहीं है, केवल एक नंबर मत मानो इनको, इन क्वेश्चन को समझने से जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए आपका बेस बन रहा है। तो इन वीडियो को आप मेरा सीरियसली लें, ये नहीं सोचें कि सर ने एक नंबर क्वेश्चन भेज दिया हम एक नंबर से क्या पार पड़ेंगे, हम तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों से बनती है, एक एक ईंट एक 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 पत्थर से बड़ी इमारत बनती है। अगर पत्थर ही वो नींव ही कमज़ोर होगी, एक ईंट ही कमज़ोर होगी, तो इमारत अच्छी कैसे बनेगी भाई। तो इन क्वेश्चन को बड़ा गंभीरता से लीजिए आप लोग, इसको हिंदी में समझिए इन क्वेश्चन को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्स बराबर ए पर किसी फंक्शन की सांतत्यता क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए, इसका अर्थ क्या है। तो आप एक बात समझ लें कि किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी मतलब क्या। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अगर एक्स बराबर ए पर
उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उसी x बराबर a पर उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उसी x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर चीज़ें बराबर हैं तो कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैंने लिख दिया इसको, x बराबर a पर फलन की बाएं सीमा बराबर x बराबर a पर फलन की दाएं सीमा और बराबर x बराबर a पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होने चाहिए। अब लिमिट क्या होती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला x बराबर a पर तो उसको लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस कहा जाता है और राइट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू a प्लस कहा जाता है। यहाँ मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यहाँ a माइनस लिखा है, देखिए a माइनस, आप इसको कहीं माइनस या ना समझ बैठे ये गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ दो के ऊपर छोटा माइनस लगा दिया, इसको आपने समझ लिया माइनस दो हो गया, रॉन्ग है ये। अरे भाई दो माइनस का मतलब है दो से जस्ट कम, यानी कि 1.9999 इस प्रकार का। अगर मैं दो प्लस करता हूँ इसका मतलब दो से स्लाइटली ज़्यादा, यानी 2.00001 इस प्रकार से। तो ये लिमिट के अंदर बातें आती हैं। तो यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जो मैंने लिखा है, इसको आप कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ अच्छी जो अच्छे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी कहते हैं इसको एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जीरो भी कहा जा सकता है, और एक्स टेंडिंग टू ए प्लस को हम एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जीरो भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग बुक्स में और अलग अलग मेथड जो होते हैं पढ़ाने के उसमें अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली बात एक ही होती है। तो ये मैंने लिखा है एक्स बराबर ए पर जो बाई सीमा होती है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको एक्स टेंडिंग टू ए माइनस बोल के एफ एक्स बोल देते हैं, और उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट जो होती है एक्स टेंडिंग टू ए प्लस लिख के उसको एफ एक्स बोल देते हैं, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को एफ ए कहते हैं, क्योंकि एक्स बराबर ए रखेंगे ना, एक्स की जगह हमने ए लिख दिया। ये तीनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि एक्स बराबर ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, संतत है। अगला अगला क्या देखिए आप कि एक्स बराबर ए पर किसी फलन की अवकलनीयता क्या होती है, व्हाट इज डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स बराबर ए। तो भाई इसके लिए दो बातें बराबर होनी चाहिए कि एक्स बराबर ए पर उस फलन का हम कहेंगे कि बायां अवकलज और एक्स बराबर ए पर उसी का दायां अवकलज, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर ए एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर ए शुड बी इक्वल। लिखा ना मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव दाया अवकलज, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाया अवकलज, कहाँ पर एक्स बराबर ए पर। और इसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, क्योंकि हम एक्स बराबर ए की बात कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ई अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ई अपॉन एक्स माइनस ए। तो अब आप देखेंगे जब हम बड़े सवाल करेंगे तो ये एफ एक्स यहाँ जो दिख रहा है ना और ये यहाँ दिख रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग होंगे। ये एफ एक्स की वो वैल्यू होगी जब एक्स टेंडिंग टू ए माइनस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होगी तब जब एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस है, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे एक्स बराबर ए पर वो फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स बराबर ए पर किसी फलन की सांतत्यता और उसकी अवकलनीयता में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स बराबर ए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कुछ बातें आपको समझा दूँ तब ये बात समझ आपको अच्छे से आ जाएगी। देखिए अगर हम कहते हैं कि 5 + 3 = 8 तो गलत नहीं है, सही है, 5 और 3 तो 8 ही होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ 8 = 5 + 3 क्या इसके अलावा और संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। 8 तो हम 6 + 2 भी कह सकते हैं, 8 तो हम 1 + 7 भी कह सकते हैं, 8 तो हम -2 + 10 भी कह सकते हैं, इसके तो खूब सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन 5 + 3 की वैल्यू तो 8 ही होगी, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। 8 की वैल्यू हमेशा 5 + 3 हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल वही बात इसमें आएगी, यही बात यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से सुने। अगर x बराबर a पर कोई फलन डिफ्रेंशिएबल है, इफ़ ए फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल एट x बराबर a, तो निश्चित रूप से वो फलन x बराबर a पर कंटिन्यूस भी होगा। इट मीन्स दैट दैट फंक्शन विल डेफिनेटली कंटिन्यूस एट x बराबर a। कब? अगर डिफ्रेंशिएबल है तो,
लेकिन इसका कन्वर्स, इसका विक्रम, इसका प्रेसिव अगर सही नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, अर्थात अगर x बराबर a पर कोई फलन कंटिन्यूस है तो उस फलन का x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है। यानी जैसे मैंने आपको कहा था अभी अभी कि 8 बराबर 5 प्लस 3 तो 5 प्लस 3 तो 8 होगा, लेकिन 8 हमेशा यही हो ये ज़रूरी नहीं है, 5 प्लस 3 के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। तो अगर x बराबर a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कोई निश्चित नहीं हम कहेंगे होगा ही होगा, लेकिन हाँ अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। यही संबंध है किस पे, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूटी और एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। तो ये मैंने वीडियो अपना पूरा करना पड़ रहा मेरे को, लंबा है लेकिन अभी चूँकि बहुत बड़ा हो गया, मुझे अगला वीडियो में जाना पड़ेगा इसके क्वेश्चन लेने के लिए। 30 क्वेश्चन मैंने छाटे थे, 30-31 क्वेश्चन थे, अभी आधे भी नहीं हुए, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। इट्स ऑल ओके अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।